मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर से व्यापम के मुद्दे को लेकर बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। ग्वालियर के दौरे पर आए दिग्विजय ने कहा है कि व्यापम के पुराने मामलों में सीबीआई ने पक्षपात किया था और वो दोषियों के छोड़ने के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। दिग्विजय सिंह ने आईएसआई की जासूसी पर बीजेपी को घेरा तो मंत्रियों को पत्र लिखने के मामले में भी सफाई दी। हनी ट्रैप केस की जांच पर भी उन्होंने संतोष जताया। वहीं गांधी गोडसे पर भी तंज कसा है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण सब इसमें शामिल थे। ये मसला जो है हनी ट्रैप का मसला, ये नहीं कहा जा सकता कि शासन द्वारा प्रायोजित था। सीबीआई अदालत पर भी भरोसा न करके पहले मुंह कर दिया। अब ऐसे हालात में मैंने तय किया है कि मैं जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने निजी तौर पर जानना और सीबीआई जो इन सब लोगों को मुक्त किया है, चार्जशीट नहीं की है, इनको दोषी करार नहीं माना है, दोषी नहीं माना है, मैं उनकी लड़ाई के खिलाफ लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए रोज हमें राष्ट्रवाद का ये संदेश देते हैं और ये जनता राष्ट्रवाद है कि उन्हीं के लोग आईएसआई के लिए लेकर भारत के लिए जासूसी करें, इसका स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। मैं एक प्रश्न से पूछता हूं और आपको भी पूछना चाहिए। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि मीडिया को उनसे पूछना चाहिए कि आपको हमें तो बता दीजिए कि गोड से देशभक्त था कि देशभक्त नहीं था, इसलिए आपको पूछना चाहिए उनसे, क्योंकि यह तो केवल एक औपचारिकता है, जुमला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पूरे तरीके से महात्मा गांधी की विचारधारा के विपरीत। हनी ट्रैप के मामले में सरकार गंभीर है और उसे गंभीरता से लिया जा रहा है।